हम सब लोग भाई हैं, परंतु फिर भी जिसके विचार थोड़े अलग चल रहे थे उन विचारों को सबको एक किया है। अपोजिशन वाली बात नहीं, सबके विचार मिलाने बहुत जरूरी थे। तो जैसे कि अभी हमने घनश्याम दास गुप्ता जावेरी जी से बात की, और अब हम बात करेंगे विजेंद्र गुप्ता जी से, नरेले वाले, जिन्हें जिनके नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये मुख्य सलाहकार और साथ ही प्रेरणा सूत्र भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं चुनाव के बारे में। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि घनश्याम दास गुप्ता जावेरी जी ने अपने पद को त्याग कर जो नई टीम बनाई है, जो अपोजिशन में टीम थी, सबको एक साथ लाकर, आपको उसके बारे में क्या कहना है? जय श्री श्याम सबको। ऐसा जो घनश्याम दास जावेरी जी ने जो एक त्याग किया है बहुत बड़ा अपने पद को छोड़ करके, वो हॉस्पिटल के हित में, जिससे कि हॉस्पिटल बढ़िया चले। साल दो साल से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही, दो साल तो कोरोना का टाइम निकल गया, हॉस्पिटल काफ़ी नुकसान में भी जा रहा था, परंतु इन्होंने बहुत कुछ अपने समझदारी से सब कुछ काम को समझते हुए, जो भी लोग थे पहले जिसको अपोजिशन बोलते हैं, वैसे समाज के अंदर को अपोजिशन वाली बात नहीं होती, हम सब लोग भाई हैं, परंतु फिर भी जिसके विचार थोड़े अलग चल रहे थे उन विचारों को सबको एक किया है। अपोजिशन वाली बात नहीं, सबके विचार मिलाने बहुत जरूरी थे, तो सबके विचार मिला करके श्री श्यामलाल गर्ग जी, जो हमारे एरिया के बहुत नामी आदमी हैं और उन्होंने हॉस्पिटल के लिए बहुत कुछ काम भी किया है, सब लोगों ने मिलकर के हॉस्पिटल काम किया, परंतु कुछ दिनों से कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल में काफ़ी तकलीफें चल रही थी, कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई जिसके लिए कुछ लोग नाराज भी थे, परंतु श्री घनश्याम जी ने अपनी तरफ से पूरी टीम में लग करके जो भी इलाज बढ़िया से बढ़िया हो सकता किया है, परंतु कुछ आदमी नाराज भी हो जाते हैं जिनका समय पर काम नहीं होता है, इसमें टीम की कोई गलती नहीं है, सब लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके अच्छे अच्छा काम किया है, और अब जो टीम बनी है ये टीम आगे जा करके अगले सालों में, आपको एक साल के अंदर अंदर हॉस्पिटल जो है नई बुलंदियों पर पहुँच जाएगा, क्योंकि जो भी टीम बनाई है सारे समझदार आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, सब लोग मिलकर के हॉस्पिटल का भला चाहते हैं, भला चाहने के लिए नई टीम बनाई है, तो इसलिए मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, अधिक से लोग आकर के और इस टीम को जिताएं, सब टीम को वोट दें, टीम जीतेगी तो हॉस्पिटल जीतेगा, तो हॉस्पिटल जीतेगा तो सबको फायदा होगा, तो सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सब लोग आकर के इस टीम को जिताएं। धन्यवाद। सर, ये माना जाता है और हमने देखा भी है कि इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं घनश्याम दास गुप्ता जी की जो भी टीम रही है वही जीतती आई है, तो आपको क्या लगता है इस बार कितने सक्षम टीम बनाई है उन्होंने जो आगे भी इस चुनाव को जीतेगी? ये टीम जो भी बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है, इसमें किसी भी आदमी को कोई नाराजगी ना रखने के लिए सब लोग इकट्ठे होकर के टीम इसलिए बनाई है, अभी सब हॉस्पिटल का जिसमें फायदा हो, और आगे जा करके मेरे को ऐसा लगता है कि ये टीम बहुत बढ़िया काम करेगी, अच्छे अच्छा लगेगा, सबको भला होगा, और सबके भले में ही अपना भला है ये सोचना चाहिए सबको। जी, आप हॉस्पिटल के मुख्य सलाहकार भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हॉस्पिटल के 5733 ट्रस्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों को दोबारा जय श्री श्याम बोलता हूँ, और मेरा कहने का 5733 ट्रस्टियों को सबके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबसे, अगर इस टीम को जिताएं, सब जने टीम जीत जाएगी तो ये हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चलेगा, और ये टीम जो है सक्षम है, जो भी जिस पद पर सब लोग खड़े हैं, सारे सब लोग जानकार हैं, हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं, और अच्छी टीम बनी है, इसलिए हम सबसे निवेदन है अगर इस टीम को भारी बहुमत से जिताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इटर्नल सॉल्यूशन।
आराम्या ज्वेलर्स।